फ्रेंड्स, हमने इसको होल कर लिया है इस ड्रिल मशीन की सहायता से, और ये होल कटर लगाया है हमने इसको। इसका जो साइज़ है होल कटर का आपको दिख रहा होगा वीडियो में, मैं एक बार जूम करता हूँ इसको। ये 38 mm का होल कटर है, इसकी सहायता से हमने इसको होल किया है। अभी इसके अंदर ये वाटर हीटर जो है ना, हम बिठाएंगे इसके अंदर। जो होल है ना अंदर की तरफ से, इसको ऐसे डालेंगे इसको, और ये इधर आएगा होल में, इसको इधर बिठाएंगे हम। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं इसको अंदर डालता हूँ इस तरह से, इसको पुश कीजिए बाहर आ जाएगा। ये वाशर लगाइए, और ये जो चिकनेट है ना इसका, वो चिकनेट अच्छे से टाइट कीजिए। ये बैठ गया हमारा हीटर दूध के कैन के अंदर, फुल टाइट कीजिएगा, ज़रा सा भी लूज़ नहीं रहना चाहिए, लूज़ रहेगा तो लीक करेगा पानी। इस तरह से फ्रेंड्स अभी देखिए ये बैठ गया है, दिखाते हैं। इसके जो दो वायर कनेक्टर के टर्मिनल है, और ये इसका जो है ना, ये एंड कैप है जो लगेगा इसके ऊपर। अंदर की तरफ बताऊँ आपको मैं, ये इस तरह से बैठेगा, देखिए बिल्कुल टाइट रहना चाहिए। प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई चैनल।